देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू कलां पुलिस ने गांव मेवाला से एक युवक को गिरफ्तार कर उससे पिस्तौल किया बरामद, मामला दर्ज। गांव भट्टूकला पुलिस ने शनिवार को गश्त के दौरान गांव मेवाला से एक युवक को पिस्तौल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रविवार को मिली जानकारी के अनुसार पुलिस पार्टी गांव डिंगसरा से मेवाला की ओर जा रही थी कि मेवाला में एक युवक पुलिस को देख वापस मुड़ा, जिसको रुकवा कर पुलिस ने पूछताछ की तो उसके कब्जे से 32 बोर पिस्तौल बरामद हुआ। युवक की पहचान अशोक कुमार निवासी मेवाला के रूप में बताई गई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गांव किरढ़ान से दो भैंसे हुई चोरी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। गांव किरढ़ान से दो भैंसे चोरी होने पर पुलिस ने इस संबंध में रविवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। किरढ़ान निवासी राजेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पशु पास ही प्लॉट में बंधे हुए थे। सुबह जब जाकर देखा तो उनकी दो भैंसे गायब मिली। उन्होंने अपने स्तर पर काफी तलाशने का प्रयास किया, लेकिन जब कहीं कोई पता नहीं चला तो इसकी सूचना भट्टूकला पुलिस को दी। पुलिस ने राजेंद्र की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 380 457 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। भट्टूकला के ताऊ देवला टाउन पार्क में किसान जन मोर्चा कमेटी द्वारा किसान जन सम्मान समारोह हुआ आयोजित। भट्टूकला के ताऊ देवला टाउन पार्क में रविवार को किसान जन मोर्चा कमेटी द्वारा किसान जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खेती बचाओ किसान बचाओ के जिला प्रधान बंसीलाल पगड़ी संभाल जट्टा के जिला उप प्रधान रविंदर रंधावा ने बतौर मुख्य वक्ता भाग लिया। इस दौरान किसान आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसान योद्धाओं को विजय सिंह जाखड़, ब्रिजलाल कड़वासरा, महावीर सिंहवर, अजीत माचरा ने मेडल देकर व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। किसानों को संबोधित करते हुए रविंदर रंधावा ने कहा कि कड़े संघर्ष के बाद किसानों की जीत हुई है, इसलिए किसान योद्धाओं को सम्मानित करना चाहिए। किसानों को सम्मानित करने से उनमें नई ऊर्जा और जोश का संचार होता है। उन्होंने कहा कि किसानों को MSP सहित अनेक मुद्दों पर संघर्ष जारी रखना है। इसको लेकर 12 जनवरी को जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना देकर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे इस धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लें। इस दौरान रविंदर कस्वां, कल्याण सिंह धांगड़, हनुमान गोदारा, महावीर खोत, भाल सिंह जांगड़ा, कमल बिस्ला, भाल सिंह बदरेचा, संदीप गोरछिया, मोतीराम माचरा सहित अनेक लोग उपस्थित थे।